देख रहे आईवीएन भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने विकास दुबे एनकाउंटर पर उठाए जा रहे सवालों के लेकर आज विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए सपा बसपा कांग्रेस जमकर ओछी राजनीति कर रही है। सतीश द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी सरकार एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का खात्मा कर अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया है। बीजेपी सरकार ने जातीय राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है। शिक्षा मंत्री आज गोरखपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि विकास दुबे ने जितने लोगों की हत्या की संयोग से उनमें से अधिकतर ब्राह्मण हैं। यदि वो ब्राह्मण नहीं भी होते तो भी उसका अपराध कम नहीं हो जाता। एक अपराधी किसी की सहानुभूति का पात्र नहीं होता। सोशल मीडिया पर कई गैर ब्राह्मण बनकर तो कई गैर क्षत्रिय बनकर नफरत वाले पोस्ट डाल रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है जिन्हें पिछले 3 साल के दौरान यूपी की तरक्की से दिक्कत है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल में यूपी ने अभूतपूर्व तरक्की की है। आज प्रदेश के हर गांव में बिजली है। कोविड-19 की महामारी के दौरान सिर्फ एक इटवा विधानसभा क्षेत्र में 22 नई सड़कें स्वीकृत हुई है। संकट की इस घड़ी में लोग इतने से ही संतुष्ट थे कि सरकार सबका इलाज करा रही है। पहली बार ऐसा हुआ। इस संकट के समय उन्होंने बाहर से आए प्रवासियों का पंजीकरण कराकर पूरा डाटाबेस तैयार करा दिया। आज उत्तर प्रदेश को पता है कि यहाँ कितने राजगीर हैं, कितने बढ़ई हैं, कितने नाई हैं, जहाँ जरूरत पड़ सकती है उन्हें अवसर मिल रहे हैं। मनरेगा के काम पहली बार धरातल पर दिख रहे हैं। पुलिस के काम में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है, थाना थानेदार चला रहा है। आपको बता दें कि सतीश द्विवेदी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हर क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों के कार्यालय से लेकर ऑनलाइन शिक्षा तक के लिए काम किए। ये सारे काम विपक्ष को अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए विकास दुबे जैसे अपराधियों के नाम पर जाति का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आई थी। जो भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देगा उसका अंजाम विकास दुबे की तरह ही होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने गोरखनाथ मंदिर जाकर दूरदर्शन पूजा किया। ये एक तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती थी और योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खात्मे का संकल्प लेकर सरकार में आई थी उसको यह चुनौती कतई स्वीकार नहीं थी। इसलिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में जो कानून के राज की स्थापना हुई, बड़े बड़े अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे या जमानतें निरस्त करा करके जेल में गए थे या पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे, उस योगी सरकार ने इस घटना पर भी त्वरित कार्यवाही की और उस त्वरित कार्यवाही में वह दुर्दांत अपराधी और उसका सहयोग करने वाले अन्य अपराधी भी मारे गए। विपक्षी दलों को आगे आकर योगी सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए थी, बधाई देनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून का इकबाल, पुलिस का इकबाल बुलंद करने के लिए बहुत कम समय में सक्षम रूप से तत्पर कार्रवाई की है। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन से जिस तरह से कांग्रेस, सपा, बसपा, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश जी के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार विकास के रास्ते पर दौड़ रहे उत्तर प्रदेश में फिर से वो जातिवाद की जहर घोलना चाहते हैं। वो विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को एक ब्राह्मण के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर बताते हैं। अपराधी अपराधी होता है। सरकार जब कोई काम करती है, सरकार जब प्रदेश की जनता के हित के बारे में सोचती है तो क्षेत्र और संप्रदाय और जाति के आधार पर नहीं सोचती है। विकास दुबे ब्राह्मण नहीं है, विकास दुबे एक अपराधी है। और जो विपक्ष के लोग हैं जो तरह तरह के सवाल कोई नहीं गई जो टैबलेट वाला ये सवाल शिक्षकों से आप करें तो बेहतर होगा, लेकिन आप चाहें तो इसकी ताकीद कर सकते हैं। गांव-गांव में जाकर के हर स्कूल के कुछ ना कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े। अभी जो हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 30 जुलाई तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, आगे जैसा केंद्र सरकार का और उसके आलोक में प्रदेश सरकार का निर्देश होगा उस आधार पर हम लोग तय करेंगे। तब तक हम अपनी तैयारियां हमारी पूरी हो रही है। ऑपरेशन कायाकल्प का अभियान तेजी से चल रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद आप देख रहे होंगे कि सरकारी निःशुल्क पुस्तकें हम अभिभावकों के माध्यम से बच्चों के घर तक पहुंचा रहे हैं ताकि खाली समय में उनकी पढ़ाई का नुकसान कम हो, नए सत्र की पढ़ाई भी करें। और जो 24 मार्च से लेकर 30 जून तक
उनको मिड डे मील का जो भोजन उनके हिस्से में आता उसका राशन प्रति बच्चे के हिसाब से जो पड़ता है और उसका कन्वर्जन कास्ट उनके बैंक खातों के माध्यम से उनके घर तक भेज रहे हैं। हमारे शिक्षक इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जैसा केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का निर्देश होगा उसके बाद मंत्री शहर में ज्यादातर लोग नो स्कूल नो फीस का पोस्टर लगा रहे हैं जगह जगह। कुछ ऐसे अभिभावक भी हैं जिनका रोजगार खत्म हो गया लॉकडाउन में। देखिए लॉकडाउन के समय ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। ये कहा था कि चूंकि बसें नहीं चल रही इसलिए परिवहन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। तीन तीन महीने के जो निजी विद्यालयों में पैटर्न था फीस लेने का उसमें ये कहा था कि आप तीन महीनों की इकट्ठा फीस नहीं लेंगे, आप एक महीने एक एक महीने की फीस देने की सुविधा प्रदान करेंगे और जो अभिभावक इस बीच शुल्क जमा करने में अक्षम है कोई भी निजी स्कूल उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा। अगर कोई अभिभावक इस तरह की कोई शिकायत करेगा सक्षम अधिकारियों के सामने तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन कई बार जो फीस माफी की बातें आती हैं दूसरे पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार ने ये पहली बार ऐसा हुआ है चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश की योगी सरकार इतने बड़े संकट में लोगों को समय से वेतन मिला है। पहले अगर महीने की 7 तारीख को किसी को वेतन मिलता रहा होगा तो इस संकट में 1 तारीख को वेतन मिला है। सभी सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन मिला है और सरकार की अपेक्षा रही है सभी निजी जो भी ऐसे प्रतिष्ठान थे कि वो अपने कर्मचारियों को अपने शिक्षकों को भी वेतन देते रहें, लोगों को नौकरी से ना निकालें। अब अगर फीस माफ कर दिया गया होता इस पूरे अवधि का तो फिर बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी फिर बेरोजगार होते, उनके वेतन की व्यवस्था नहीं होती। इससे सरकार को हमेशा दोनों पक्षों में संतुलन बैठा कर काम करना पड़ता है। और स्कूलों में एडमिशन 1 साल के लिए होता है, ऐसे नहीं होता है कि 1 महीना बंद हो गया तो फिर फीस नहीं लेंगे फिर अगले महीने स्कूल चलेगा तो फीस। कभी भी स्कूलों की फीस का पैटर्न ऐसा नहीं होता है। लेकिन मंत्री जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग थे उनको सैलरी तो मिली नहीं है, किसी को 30% किसी को 25% वाली, काफी सरकार पे लोगों को उम्मीदें थी कि फीस माफ होगी। देखिए फिर सर फिर 159,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में हमारे हैं और 6,00,000 से अधिक निजी स्कूल हैं। जिस तरह के बातें अभी की जा रही हैं अगर इस तरह से किया गया तो सारे निजी स्कूल बंद हो जाएंगे और निजी स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइन आएगी कि अब अगस्त से फिर पढ़ाई शुरू हो जाए तो बंद हुई व्यवस्था को फिर अचानक से शुरू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की मांगे बहुत व्यवहारिक नहीं है। सरकार ने सब तरह की सुविधाओं के लिए पहले ही कह दिया है। मैं आज भी राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल है सपा कांग्रेस बसपा उनको पच नहीं रहा है, वो 2022 में अपना भविष्य एक बार फिर से अंधकार में देख रहे हैं, उससे और आगे 2024 में भी अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। इस कारण जातिवाद की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं और कानून व्यवस्था अपराध तथा अपराधियों के मुद्दे पर भी जातिवादी जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप सबको संज्ञान में है कानपुर का बिकरू का पुलिस कर्मियों का जघन्य हत्याकांड, एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे जो कई पुराने मामलों में अभियुक्त रहा, जिसने पूर्व राज्य मंत्री संतोष शुक्ला पूर्व प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर पांडे से लेकर के आधा दर्जन से अधिक ब्राह्मण परिवारों के प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़े हुए लोगों की हत्या की। ऐसे तमाम मामलों के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए मामलों की पूछताछ के लिए जब पुलिस बल वहां पहुंचता है तो वह व्यक्ति 2 दर्जन से अधिक गुंडे माफिया बदमाश टाइप के लोगों को इकट्ठा करके अंधाधुंध सीओ देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे हुए पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां बरसाता है, उनकी हत्या करता है, उनके पैर काटता है, उनके लाशों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको जलाने की कोशिश करता है और उसके बाद वहां से फरार होता है। यह घटना एक सामान्य घटना नहीं थी करते हैं। उनको राज्य मंत्री संतोष शुक्ला और उनके परिवार के बारे में चिंता नहीं होती, उनको सीओ देवेंद्र मिश्रा और उनकी बिलकती बेटियों के बारे में चिंता नहीं होती, उनको 8 शहीद पुलिस कर्मियों के बारे में चिंता नहीं होती। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ समझ रही है और इसके पीछे एक और फ्रस्ट्रेशन है। कोविड की महामारी के दौरान जितनी कुशलता से केंद्र की मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जितनी संवेदनशीलता जितनी गंभीरता जितनी तत्परता से न केवल इस महामारी के संक्रमण को फैलने से उसका प्रभाव कम करने से बचाया, न केवल संक्रमित लोगों के तत्परता से इलाज करने की व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सपा बसपा और कांग्रेस के शासन काल में जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं थे, योगी सरकार ने कम समय में तात्कालिक रूप से 1466 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए।
आज प्रदेश के हर जिले में वेंटिलेटर है, आज 2 लाख सैनिटाइजर रोज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, आज 1,05,000 से अधिक कोविड को डेडिकेटेड बेड उत्तर प्रदेश में है। न केवल इस महामारी से बचने का इंतजाम हुआ बल्कि प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अधिक रोजगार सृजन हुआ। अभी 1 करोड़ से ऊपर रोजगार सृजन के कार्यक्रम का शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया। आज की बात मैं एक विशेष विषय पर केंद्रित करके रखना चाह रहा था और उसी मुद्दे पर ज्यादा बात हो तो अच्छा लगेगा, पढ़ाई को लेकर के। देखिए, आप ये सोचिए ना, क्या उत्तर प्रदेश में किसी ने कल्पना की थी कि बेसिक शिक्षा के स्कूल जो 90% स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां मजदूर, किसान, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, कभी किसी ने सपने में भी सोचा था क्या कि वहां ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी? हमने कभी दावा नहीं किया कि 100% बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ पाए हैं, लेकिन हमने कोशिश की बच्चों को उस महामारी की जो विषम परिस्थिति थी, बच्चों को उस मानसिकता से बाहर निकालने की, उनके ऊपर उस महामारी का साया और डर और वो भयावह माहौल उनके मन मस्तिष्क पर न रहे और 1 अप्रैल से जो उनका स्कूल नहीं खुल पाया उसकी भरपाई हो। इसलिए मैं बधाई देता हूँ अपने टीचर्स को कि उन्होंने कोशिश की, एक दूसरे को समझाया और बड़ी संख्या में लोगों को ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ा। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, उनके लिए हमने 1.5 घंटे का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पे क्लास चलाया है, हम रेडियो के चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी प्रशंसा और सराहना करनी चाहिए। 1 लाख से अधिक प्रवासियों को न केवल उत्तर प्रदेश उनके घर सुरक्षित रूप से वापस लाया गया, बल्कि उनको सबको राशन का किट, 1,000 रुपया जीवन निर्वाह का भत्ता और फिर से उनको रोजगार छोड़कर यहां आए थे, तुरंत ही उनको मनरेगा और अन्य माध्यमों से रोजगार देने की व्यवस्था की गई, उनकी स्किल मैपिंग की गई। इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक लोगों को स्किल मैपिंग करके विभिन्न औद्योगिक संगठनों और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू साइन करके उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखकर, जनता की संतुष्टि का स्तर देखकर, जनता इस महामारी के समय में भी जिस तरह से मोदी योगी का नाम जप रही है, इन सब परिस्थितियों से विपक्ष के लोग फ्रस्ट्रेशन हैं, उसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर के इस तरह की आपराधिक मामलों में भी, अपराधियों के मामले में भी जातिवाद की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। मैं इस निम्न स्तरीय राजनीति की निंदा करता हूं और उनको ये चेतावनी भी देता हूं कि जनता सब देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास की राजनीति करने लगी है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार के और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। जो इस गाड़ी को उसकी पटरी से उतारने की कोशिश करेगा, जो फिर से उत्तर प्रदेश को संप्रदायवाद और जातिवाद की राजनीति में जोड़ने की कोशिश करेगा, उसको आने वाले चुनाव में भी जनता सबक सिखाएगी, उनका सुपड़ा साफ।